व्हाट्सअप गाइस। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं केवल लाइटरूम ऐप की मदद से। तो जो भी भाई इस वाली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा वो भी लाइटरूम ऐप का यूज करके कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट कर लेगा। और मैं 110% लिख के देता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में आप भी सेम ऐसा फोटो को एडिट कर ही लेंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई कुछ इस टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी एडिट करना सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले गाइस आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप अपने गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेके और सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके और इस वाली फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहां पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। तो व्हाट्सअप गाइस जैसे ही आप लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके आप अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आपको एडिट करना है। तो गाइस इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताने वाला है। तो आप लोग वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के एंड में आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो सबसे पहले गाइस आप लोग को साइड में ऐसे स्क्रॉल करना होगा और कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी इफेक्ट वाले आइकन पे ऐसे क्लिक करके इसकी क्लियरिटी की वैल्यू डिक्रीज करके हम लोग -12 कर देंगे, डीआईएस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 6% कर देंगे, टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके इसे भी प्लस साइड में 6% कर देंगे। देन दोस्तों इसका इसकी विगनेट की वैल्यू हम लोग ऐसे कम करके ना -43 कर देंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू भी कम करके इसे भी माइनस साइड में 29% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आपका भाई एक एक स्टेप अच्छे तरीके से बता रहा है, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। इसके बाद गाइस सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, लाइट वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 20% कर लीजिएगा, हाईलाइट की वैल्यू डिक्रीज करके -58% कर लीजिएगा और स्क्रॉल करके नीचे आके इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 35% करके इसकी वाइट्स की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 24% कर लीजिएगा, पूरा स्क्रॉल करके नीचे आके इसकी ब्लैक्स की वैल्यू ऐसे डिक्रीज करके -26 कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग आप जैसे ही कीजिएगा तो आपका दो स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर बिफोर आप यहां से फोटो को देख सकते हैं। तो इसके बाद आपका भाई जो भी स्टेप बताएगा उसके बिना कभी आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो उसके लिए सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, कलर्स के आइकन पे ऐसे जाना होगा और जाने के बाद सबसे पहले इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करके इसे -20 कर लेंगे और इसकी टेंप की वैल्यू भी इंक्रीज करके हम लोग इसे प्लस साइड में क्या करेंगे 30% कर लेंगे और टिंट को -20 कर लेंगे और वाइब्रेंस को हम लोग इंक्रीज करके प्लस साइड में 29% करके और सिंपल से ऊपर साइड में मिक्स टूल के आइकन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके हम लोग टोन को क्रिएट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और इसकी लुमिनेंस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 49% कर देंगे, सैचुरेशन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 100% कर देंगे, ह्यू की वैल्यू डिक्रीज करके -100 कर देंगे। और सिंपल से गाइस आप लोग को क्या करना होगा, येलो कलर को सिलेक्ट करके इसकी लुमिनेंस की वैल्यू डिक्रीज करके -32% कर देना होगा, सैचुरेशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके इसे -100 कर देना होगा, ह्यू की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना होगा, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके इसकी सैचुरेशन की वैल्यू डिक्रीज करके इसे -35 करके लुमिनेंस की वैल्यू 13% करके और डन क्लिक कर दीजिएगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। अभी हम लोग ब्लू टोन को भी ऐड करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे और ऐसे स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पे हाईलाइट वाले सेक्शन में आएंगे और अपनी फिंगर से पकड़ के थोड़ा सा ब्लू साइड में कर देंगे, जिसकी ह्यू की वैल्यू मैंने 203 रखा है और सैचुरेशन को 29% रख के और डन क्लिक कर दूंगा। और डन क्लिक कर लेने के बाद हम लोग की इस टाइप से फोटो मिल जाएगी। तो फेस को स्मूथ करने का क्या तरीका, चलिए आपका भाई बताता है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए डिटेल्स के आइकन पे आएंगे, शार्पनिंग की वैल्यू इंक्रीज करके 20% कर देंगे, मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके 51% और इसकी नॉइस रिडक्शन की वैल्यू इंक्रीज करके 26% कर देंगे और इसकी कलर नॉइस रिडक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करके 25% कर देंगे, पूरा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, स्मूथनेस को 100% कर देंगे,
इसके बाद आपका भाई कोई भी तरीका नहीं बताएगा वन क्लिक में कैसे आप एडिटिंग करेंगे। उससे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपल से ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और आने के बाद मास्किंग के आइकन पर टाइप करेंगे, प्लस के आइकन पर क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, कलर रेंज के आइकन पर टाइप करेंगे, कलर पीकर को हम लोग ऐसे स्काई में रख देंगे और रख लेने के बाद इसकी रिफाइन की वैल्यू हम लोग यहाँ से कम कर देंगे, कम करके अप्लाई क्लिक कर देंगे, कलर्स के आइकन पर जाएंगे स्क्रॉल करके नीचे, कलर एच को पकड़ के हम लोग ब्लू साइड में करके और राइट क्लिक कर देंगे और ये प्रोसेस कर लेने के बाद हम लोग की कंप्लीट एडिटिंग हो जाएगी। और मैंने इस फोटो का प्रीसेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से इजीली जाके प्रीसेट को डाउनलोड करके आप वन क्लिक में एडिटिंग कर सकते हैं। और फोटो को सेव करने के लिए सर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।